आप देख रहे हैं इन खबर हिस्ट्री और मैं विष्णु शर्मा लेकर आया हूं कहानी भारत की पहली अनिर्वासित सरकार की। जब देश आजाद नहीं हुआ था तो पहली ऐसी सरकार जिसने खुद को भारत सरकार घोषित किया वो किसने किया, कहां हुई, ये वो कहानी अगले 3 मिनट में आपको बताएंगे। राजा महेंद्र प्रताप, अगर आपने नाम सुना हो तो, राजा महेंद्र प्रताप का नाम 2015 में 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने काबुल की संसद में लिया था, उनको श्रद्धांजलि दी। और मैं आपको बता दूं, ये राजा महेंद्र प्रताप वो थे जिन्हें मोदी वहाँ श्रद्धांजलि दे रहे थे, और वो उस राजा महेंद्र प्रताप ने भारत में बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री, बीजेपी के बोल रहा हूँ, वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव में हराया था। क्या है वो दिलचस्प कहानी राजा महेंद्र प्रताप की, कैसे बनाई उन्होंने वो सरकार। राजा महेंद्र प्रताप जो थे वो यूपी के हाथरस के रहने वाले थे, हाथरस में जगह है मुरसान, वहाँ से पूरा हाथरस एक तरह से शासित होता था, मुरसान के राजा थे राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप शुरुआत से ही अलग थे, जिनसे उनकी शादी हुई उसके बाद वो लगातार समाज सुधार और इन सब में लगे रहे। जो AMU आप देखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके लिए तमाम जमीन उन्होंने दान में दी। उन्हें लगा कि उन्हें देश के लिए कुछ करना चाहिए, वो बाहर चले गए। करीब 32 साल वो देश से बाहर भटकते रहे, इधर उनकी रियासत पे अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया, उधर वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जर्मनी के राजा से मिले, तमाम जो बाहर क्रांतिकारी थे, हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, भिकाजी कामा, सब लोगों से मिलते रहे। उसी में उनके साथ थे एक बरकतुल्ला, जो वहाँ के थे, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल में आपने सुनी होगी। ये लोगों ने जर्मनी के राजा से मदद मांगी, काबुल से मदद मांगी, और काबुल में ऑफिशियली उनकी एज उस वक्त शायद 28 साल थी, और दिन था 1 दिसंबर 1915, उन्होंने अपनी सरकार घोषित की, पहली अनिर्वासित सरकार। सोचिए उसके बाद जो सरकार बनी, उसके बाद 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने बनाई, उससे 28 साल पहले, और केवल 28 साल की ही उम्र में राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में भारत की सरकार घोषित की। वो खुद प्रमुख चुने गए राष्ट्रपति के तौर पे, बरकतुल्ला को, मौलवी बरकतुल्ला को बनाया उन्होंने प्रधानमंत्री। वो सरकार के जरिए उन्होंने सोचा था कि ये सरकार यहाँ से काम करेगी और वो तमाम देशों से मदद लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हालांकि उन्होंने कोशिश पूरी की, उसके बाद उन्हें भागना पड़ा वहाँ से, उसके बाद तमाम सारी जगह से उन्होंने इंडियन ओपिनियन और तमाम सारे अलग तरीके से काम किया, पेपर निकाले, मैगजीन निकाले, मदद मांगी। और एक बार मैं बताऊं उनका गांधी जी से क्या ताल्लुक़ है, गांधी जी और राजा महेंद्र प्रताप ये दो ऐसे आदमी हैं जिनका नाम नोबेल के लिए दिया गया, और दोनों बार नोबेल अवार्ड के लिए वो 2 साल ऐसे थे कि दोनों को ही नोबेल पुरस्कार उस साल बटा ही नहीं। तो इससे उन्होंने गांधी जी से ये ताल्लुक़ है। उसके बाद गांधी जी ने उनके बारे में यंग इंडिया पेपर में लिखा, उन्होंने कैसे अकबर की तरह एक नया प्रेम धर्म चलाया, अकबर ने जैसे दीन इलाही किया था, पहला पॉलिटेनिक, भारत का प्रेम पॉलिटेनिक उन्होंने खोला। उसके बाद मथुरा से वो चुनाव लड़े और 4th नंबर पर रहे अटल बिहारी वाजपेयी, और राजा महेंद्र प्रताप नंबर 1 जीत के पहुँचे। तो ये थे राजा महेंद्र प्रताप, कैसे उन्होंने एक पहली अनिर्वासित सरकार बनाई, कैसे वो दर बदर की ठोकरें 30-32 साल खाते रहे विदेशों में केवल भारत को आज़ाद कराने के लिए। उस राजा महेंद्र प्रताप को आम तौर पे दुनिया नहीं जानती। तो ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ, ऐसी गुमनाम नायकों की कहानियाँ आपको लेकर हम आते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। आप सब्सक्राइब करें इन खबर हिस्ट्री। थैंक यू।